अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए काबली पुलाव, वो भी अपने साइज से। चले इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है जिसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी गाजरें जो मैंने पहले से काट के रखी हुई हैं, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। गाजरें मिक्स हो चुकी हैं, मैं इसके अंदर टीस्पून से मैं इसके अंदर 4 टीस्पून मतलब 4 टीस्पून मैं इसके अंदर चीनी के डाल रही हूँ, यानी शुगर। आप लोग 2 टेबलस्पून भी ले सकते हैं। और इनको मैंने थोड़ा सा पकाया था, और जब गाजरें सॉफ्ट होगी तो इनको मैं निकाल रही हूँ। इसी तरह मैं सारी गाजरें निकाल लूँगी, और इसी ऑयल में मैं ये देखें ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी थी, और इसी ऑयल में मैं डाल दूँगी प्याज, एक लार्ज साइज का प्याज जो मैंने काट के रखा हुआ था। इसको मैं मिक्स करूँगी, और 15 से 20 जो लहसुन के जवे, और थोड़ा सा अदरक। इनको मैंने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, इनको सिर्फ थोड़ा सा मैंने सॉफ्ट करना है, और फिर मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी। यहाँ लहसुन प्याज और अदरक सॉफ्ट हो चुके हैं, अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी, और इनको हल्के हाथ की मदद से हला लूंगी। चिकन को सिर्फ इसका ये करना है कि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा, जैसे आपको अभी पिंक पिंक नज़र आ रहा है, तो ये ज़रा कलर अपना चेंज करेगा। तो इसके अंदर मैं नमक और काली मिर्च ऐड कर दूंगी। क्वांटिटी मैं उसकी आपको बताती हूँ मैं कि मैंने कितनी ऐड की है। मेरे पास 5 कप मैंने चावल पकाए थे, यहाँ पे मैं 2 मीडियम साइज़ के जो है टमाटर वो चॉप करके इसके अंदर डाल रही हूँ काट के। इसको भी साथ ही मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ही इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ, यानी कि ब्लैक पेपर, और 1 टेबलस्पून ही सॉल्ट मैंने इसमें ऐड किया, और मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी, जितने मैंने चावल लिए हैं उससे 1 कप मैं ज़्यादा पानी डालूंगी इसमें, और उसको फिर मैं अच्छी तरह पकने के लिए रख दूंगी। मैंने 5 कप चावल लिए थे और 6 कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया। इसको मैं कवर करके बॉयल आने तक रख दूंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ अच्छी तरह से इसको बॉयल आ रहा है। बादाम और किशमिश, यानी कि मैंने इनको भिगो के रखा हुआ था, और थोड़ा सा फ्राई पैन में ऑयल डाल के मैं इसको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। चावलों को देख लेते हैं साथ में। यहाँ पे पानी जो है इसका अच्छी तरह हो चुका है, अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी चावल जो मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे। ये देखें ये हो चुके हैं, उनको मैंने साइड पे कर दिया था, गोल्डन ब्राउन हो चुके थे।
और अब यहाँ पे चावल जो है उनको देख लेते हैं। अब इसका पानी खुशक करेंगे और साथ मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च जो यानी कि ब्लैक पेपर और ऐड कर दिया था। इसको मिक्स कर लूँगी। इसका पानी खुशक होके फिर इसको मैं 20 से 15 मिनट के लिए दम पे रख लूंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, पानी खुशक हो चुका है। अब इसको मैं दम पे रख दूंगी 20 से 15 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त बने थे। मैं आपको दिखाती हूँ, यह है जिसकी फाइनल लुक। यकीनन आप लोगों को भी अच्छे लगेंगे। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।